Good morning students, my name is Rita and I am a special educator in Soman Learning Center. आज हम ब्यूटिशियन की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ हेयर कॉम्ब्स एंड ब्रशेस। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम ब्यूटिशियन के इक्विपमेंट्स देख रहे थे कि एक ब्यूटी पार्लर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अ कॉम्ब्स एंड हेयर ब्रशेस। तो इसमें हम सबसे पहला जो देखते हैं वो है हमारा स्क्वायर ब्रश। स्क्वायर ब्रश जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर टाइप का एक ब्रश है जो आप इजीली नॉर्मली घर में भी देखते हैं। सेकेंड इज रेड टेल ब्रश, इसको हम अगर नॉर्मली भाषा में लोग टेल ब्रश भी बोलते हैं। इसकी जो पीछे अगर आप देख रहे हैं पकड़ने की जो टेल है वो काफी लंबी है, जैसे कि एक रैट की होती है। ये स्पेशली बालों में जब हम कोई भी न्यू हेयर स्टाइल बनाते हैं तो ये धीरे धीरे कर बालों को उठाने में हमारी मदद करता है। एंड देन थर्ड वाइट टूथेड कॉम्ब, अगर आप देख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा खुले खुले इसके आपको दांते दिखेंगे और ये देखने में भी हमारी कुछ टूथब्रश की तरह ही दिख रही है। ये इजीली हमारे बालों को कॉम करने में, सुलझाने में काफी हमारी मदद करती है। एंड देन लास्ट फोर्थ है जो हमारी, वो है राउंड ब्रश। ये नॉर्मली आपको घरों में दिखेगी, राउंड, इसकी शेप राउंड होती है और ये हमारे बालों को कर्ल करने में हमारी हेल्प करती है। फिफ्थ है टू वेंट ब्रशेस। टू वेंट ब्रशेस का है कि ये बोथ साइड से आप देख पा रहे हैं इसको, कि इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ से आपको बालों को कॉम करने के लिए दांते दिखेंगे, जिससे हम अपने बालों को इजीली कॉम कर सकते हैं बोथ साइड से। नेक्स्ट है जो हमारी, वो है पैडल ब्रशेस। पैडल ब्रशेस के अंदर अगर आप हमारे यहाँ देख रहे हैं तो ये स्मूथनिंग और काफी ज्यादा बालों को शाइनिंग देने में हमारी मदद करती है। ये इस तरीके से हमारे बालों को कॉम करती है कि वो बहुत ही इजीली स्मूथ लगते हैं। एंड देन जो हमारी सेवंथ है वो है टू स्मूथनिंग ब्रशेस। टू स्मूथनिंग ब्रशेस में ये सेम हमारी ऊपर वाली जो हमने भी ब्रश देखी थी उसकी तरह ही दिखेगी, बट इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप की है और जो इसके ब्रश हैं, दांते हैं, वो काफी स्मूथ है। एंड देन लास्ट एट्थ जो है हमारी, वो है थर्मल ब्रशेस। थर्मल ब्रशेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखने में बिल्कुल राउंड ब्रश की तरह ही है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रश है। आप देख रहे हैं तो इसके साइड से एक वायर जा रही है जो हमारे कर्ल करते समय इलेक्ट्रॉनिक के मोड से हम इसको कर्ल कर सकते हैं। एंड देन लास्ट जो हमारी है वो है टीजिंग ब्रश। टीजिंग ब्रश के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखने में आपको बिल्कुल टूथ ब्रश के जैसे ही दिख रही है। इसकी भी पीछे एक लंबी टेल है जो हमारे बालों को ब्यूटीफुल डिजाइन करने में हमारी मदद करती है। जैसा कि आपने देखा, हमने अभी कुछ कॉम्ब्स वगैरह देखे, अब हम इसी का लास्ट एक थिंग है जो देख रहे हैं, इट्स अदर सप्लाइज। हमारी इन सब चीजों के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि सबसे पहला है हेयर क्लिप्स जो हमारे हेयर स्टाइल्स को डिजाइन देने में हमारी मदद करती हैं। सेकेंड इज मिक्सिंग बाउल विथ एप्लीकेटर ब्रशेस। हमें कुछ भी फेस पैक लगाना है या कोई डाई, हेयर डाई वगैरह करनी है तो उसमें वो बाउल्स और जो ब्रश उसके लिए अप्लाई करना है वो ब्रशेस, वो सब हमारी मदद करते हैं। देन थर्ड एप्रॉन, हमारी ड्रेस खराब ना हो, हमें सेफ रखने में ये काफी मदद करता है। फोर्थ वाटर स्प्रेयर्स, कटिंग करते समय हमें इस वाटर स्प्रेयर का बहुत ज्यादा नीड होती है। एंड देन फिफ्थ टॉवल्स, हमें समय समय पर अपने आप को हाइजीन रखने के लिए, क्लीन करने के लिए ये टॉवल्स की जरूरत पड़ती है। सिक्स्थ हैंडल मिरर्स, बहुत सारे कई बार ऐसे भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं जो अपनी हर चीज को बहुत करीबी से देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हैंडल्स मिरर्स की नीड होती है। एंड देन सेवंथ डस्टबिन, जितना भी हमारा वेस्ट सामान है या वेस्ट चीजें हैं उनको डालने के लिए एक प्रॉपर हमारे पास इक्विपमेंट होना चाहिए। एंड देन लास्ट इट्स अ फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट क्योंकि हम एक शार्प चीजों के साथ भी काम कर रहे हैं और बहुत सारी, तो इस समय पर हमें फर्स्ट एड किट की बहुत जरूरत होती है कभी भी अचानक। तो जैसा आपने देखा कि हमने इन पूरे 3 से 4 क्लासेस में ये देखा कि हमारे एक ब्यूटी पार्लर के अंदर क्या क्या चीजें होना जरूरी है। आगे अब हम कुछ नया लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।